सेठ जी कहाँ है आप? सेठ जी कहाँ है आप? सेठ जी, अरे क्या है, भूकंप आ गया है, जमीन फट गई, आसमान गिर गया, जलजल आ गया, क्या हुआ है? जी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आपके दुख्तर नेक के लिए नहायत ही मोहजिब और शायस्ता खानदान से रिश्ता मतलूब है। मैं भगवान के लिए तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ भाई, अपनी उर्दू का इस्तेमाल कम कर। माना कि मीठी जबान है मगर इतना भी मीठा मुझे मत खिला कि डायबिटीज हो जाए। अब फूटता क्यों नहीं है, क्या बोलना चाहता है तू? लड़के वाले आपकी बेटियों को देखने आ रहे हैं। आ रहे हैं मेरे घर में? कौन लेकर आया है? तुझे पता नहीं जो लोग रिश्ता लेकर आते हैं उनका क्या हाशर होता है? जानता हूं, लेकिन लड़कियां तो पराया धन होती है ना सर। अरे इस पराये धन के साथ मैं अपना सारा धन देने को तैयार हूँ, एक एक दामाद को 5-5 करोड़ देने को तैयार हूँ, मगर मेरी बेटियां शादी को राजी होता ना। जो लड़का यहाँ रिश्ता लेकर आता है या तो पगल खाने पहुंच जाता है या अस्पताल पहुंच जाता है। हम कुछ कहने की जरूरत नहीं भाई साहब, अरे इतने रईस बाप का बेटियां हैं, बड़े लाड प्यारी से पाली हुआ है, इनका जिद्दी चंचलता और नखरेबाज होना तो लाजमी है। आप पहले लड़कियों को बुलाओ। अरे भाई लड़कियां भी आ जाएंगी, आ जाएंगी लड़कियां, पहले आप मुझसे दो दो बातें तो कर लीजिए। सेठ धनेश्वर पीताम्बर, लड़कियों के पिताजी। नमस्कार, आपका नाम बहुत सुना था लेकिन आज आपका दर्शन हो गया, बहुत खुशी भी हो गया। नहीं नहीं नहीं, मुझको देखकर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी इस खुशी की उम्र ज्यादा नहीं बहुत कम है। आप क्या बोला मेरे को समझा नहीं। पिता ठीक है बैठिए, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए साहब, मेरी 4 बेटियां हैं और चारों की चारों एक नंबर की चाप, चंचल, शरारती और जिद्दी हैं, यही कहना चाहते हैं ना आप? नहीं नहीं, इससे बहुत ज्यादा हैं। चलेगा, 5 लाख के लिए मैं गूंगी और बहरी से शादी कर सकता हूँ। तो मेरा बेटा 5 करोड़ के लिए अड़ियल और अनाड़ी से भी शादी कर सकता है। पहले आप लड़कियों को बुलाओ। बुलाता हूँ। लक्ष्मी। वाह वाह, क्या नाम है, लक्ष्मी। सरस्वती। वाह वाह, क्या पवित्र नाम है, सरस्वती। पार्वती। वाह वाह, साक्षात देवियों का निवास यही है। दुर्गा। Hi, Dad. Oh, तो ये चपड़ गंजू आए हम बहनों को देखने। दुर्गा, इस तरह बर्ताव करते हैं मेहमानों से? ये मेरी 4 बेटियां हैं, ये लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, दुर्गा। ये मैंने आपके लिए खास अपने हाथों से बनाया है। मेरे लिए? ये तो हकलाने लगा। जी। और ये लड्डू मैंने खास आपके लिए बनाए हैं। अच्छा। लीजिए ना। खाइए ना। बड़े घर की ही बेटियां हैं। ये मैंने बनाया है, ये भार का चूड़ा नहीं है, लीजिए। घर का घर बिगड़ा हुआ है। ये बुढ़ी चीख मार रही है। अरे क्या कर रहे हैं? अरे तुम लोग शर्म आती नहीं, अरे क्या झाग निकल रहा है? देखो, अरे अरे क्या खिला दिया तुम लोगों ने इनको? क्या करूं? ना, ए, ए, तुम क्या खच्चर की तरह खड़े हो? बुलाओ डॉक्टर को। दिस इज टू मच, हद हो गई शराफत की। सारे शहर में मेरी इज्जत का जनाजा निकाल रहे हो तुम।
तुम मेरी बेटियां हो या पिछले जन्म के दुश्मन, जिंदगी हराम कर रखी है तुम सबने मेरी। कल को तुम्हारी बदमाशी की वजह से किसी की जान पे बनाई तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? कब तक बर्दाश्त करूं और क्यों बर्दाश्त करूं? अरे अगर तुम लोग मुझे कोई खुशी नहीं दे सकते तो कम से कम दुख तो मत दो। मैं भी आखिर क्या मतलब, जब से तुम लोग मेरी नकल कर रहे हो, मेरी मजाक उड़ा रहे हो तुम लोग, तो और क्या करे डैडी। आप हर बार वही बातें दोहराते जो हम 100 बार सुन चुके हैं। अब तो आपकी डांट भी हमें बाहर याद हो चुकी है। आप हमारी शादी का ख्याल दिल से निकाल क्यों नहीं देते? हे भगवान, मैं लड़कियों को कौन सी जबान में समझाऊं? अरे लड़कियों का असली घर उनका मायका नहीं, उनका ससुराल होता है। एक दिन तुमको ये घर छोड़ के जाना ही पड़ेगा। जब हम शादी ही नहीं करेंगे तो घर छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन तुम लोगों को शादी से इनकार है क्यों? फिर वही घिसा पिटा सवाल। डैडी मैं लड़की होकर लड़कों से आगे हूँ, नो वन कैन बीट मी। और जो लड़का मुझे मात दे सके वो आज तक पैदा नहीं हुआ, तो फिर मैं किसी अरे गहरे से शादी कैसे कर सकती हूँ? नो वे, नो वे डैड। और शादी के लिए मेरी 5 शर्तें हैं। अब तक सैकड़ों लड़के आ चुके हैं और मेरी इन शर्तों को मानने से इनकार कर चुके हैं। सो डियर डैड, जब तक मुझे अपने इशारों पर नाचने वाला लड़का नहीं मिल जाता तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। और डैड मुझे तो मर्द जात से ही नफरत है। आई जस्ट हेट मैन, सो प्लीज डोंट बॉदर फॉर मी। मैं कभी शादी नहीं करूंगी। मेरी शादी का ख्याल आप दिल से निकाल दीजिए डैडी, क्योंकि मैं किसी को चाहती हूँ लेकिन वो किसी और को चाहता है, इसलिए मेरा किसी और को चाहने का सवाल ही नहीं उठता। इज दैट क्लियर?